बेटा मासी चली गई क्या? जी अम्मी चली गई मासी। चलो बेटा घर की लाइटें बंद कर दो। मैं हूँ काम वाली मासी और ये वीडियो हमारे ऊपर ही बनी है। वीडियो देखने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो वरना काम करना छोड़ दूंगी। करो सब्सक्राइब करो। कहते हैं कि हर खामोशी के बाद एक तूफान होता है और हर तूफान के बाद एक खामोशी होती है। सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। जाओ जाके बेडरूम की सफाई करो। बाजी पहले मैं इस कमरे की सफाई कर लेती हूँ, बाद में बेडरूम की कर लूंगी। अच्छा कर लो। ठीक है बाजी कर लेती हूँ। वाली पोएट्री फॉर एनिमिस्ट आर्टिस्ट एंड हार्ट ज्वेलर विच हैड बीन टर्न डाउन द केडीए To maintain that the facility. It will work as unique, being the first ever organized by the team. And 1960 war, they love each other, they live with each other, and they are not. भाई जरा पैर उठा लेंगे? यहाँ की अगर सफाई हो गई तो बेडरूम भी चली जाओ। जी बाजी जाती हूँ। बाजी मेरी बेटी की शादी होने वाली है, अगर वो आपका दुल्हन वाला शरारा मिल जाता ना तो बड़ी आसानी हो जाती। वो शादी का शरारा दे देना बाजी। अरे बाजी कमरे की सफाई करने जा रही हूँ, पूरा कमरा साफ कर दूंगी। अच्छा जल्दी जाओ और साफ करो पूरा कमरा। ठीक है बाजी। अच्छा देखो मासी ये हमारा किचन है। ठीक है। देखिए सिस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट मासी, आई एम मेड, सो कॉल मी मेड। अच्छा मेड मेरी बात सुनो, ये हमारा किचन है ठीक है, यहाँ पर बर्तन धुलते हैं और हर 3 दिन बाद ना बर्तन धुल जाने चाहिए वक्त पे। ये आप लोगों का किचन है या कोई स्टोर रूम है? और मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप लोगों के बर्तन नहीं धो सकती। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने मेडिक्योर और पेडिक्योर करवाए हुए हैं। और आप लोग कितना अनहाइजेनिक माहौल बना के रखते हैं घर के अंदर। आप लोगों ने वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई हुई होगी। अभी कितना वायरस चल रहा है आप लोग देखें ना। आप लोगों ने ग्लव्स प्रोवाइड किए ना, आप लोगों ने मास्क प्रोवाइड किया और आप कह रही हैं बर्तन धो लें। और बाजी मेरी बात सुन लें, मुझे ना आजकल वो जो क्रॉकरी वॉशिंग मशीन आ रही है ना, मुझे उनमें बर्तन धोने की आदत है, तो कल से वो मंगवा के रख लें, फिर मैं आपके बर्तन धो दूंगी। ओके एक काम करती हूँ, मैं खुद ही बर्तन धो लेती हूँ। जी ये बहुत अच्छा है, और जरा सही से धोइएगा और गंदगी ना रहे बिल्कुल भी, धो दीजिए। तुम्हें के पैसे किस बात के दे रहे हैं हम? आप बर्तन धोइए, मैं आपको बाद में बताऊंगी पैसे किस बात के, धोइए जल्दी से। हसीना बर्तन सही से धुल रहे हैं ना? जी भाई सही से धुल रहे हैं। भाई मत बोलो, कोई भी कमसिन लड़की मुझे भाई बोलती है ना, दिल टूट जाता है। ठीक है असलम। ये बात हुई ना। वैसे ब्याह हो गया है तुम्हारा? नहीं अभी तो नहीं हुआ, घर वाले लड़का ढूंढ रहे। लो बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा।
क्या वो नहीं समझी? मैं समझाता हूँ। देखो अपने आजू बाजू नजर डालो, इतना हट्टा कट्टा मालदार नौजवान तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? हसीना कब तक बर्तन धोगी तुम? अरे जल्दी दो गिलास, कब से बोल रहा गिलास धो के दो, मुझे पानी पीना है, प्यास लग रही है। कुछ नहीं बेगम, गिलास धोने का बोल रहा हूँ, सुस्त है बहुत ये, जल्दी धो के दो। जी सिस्टर अब बोलिए, आप क्या काम है? देखो मासी, ओ मेट मेरी बात सुनो, ये पंखा ना बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, तो चढ़ के जरा सफाई कर दो। ये लो पकड़ो। एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिए, कहाँ चढ़ के कहाँ सफाई कर दूँ? ये इतनी बड़ी सीढ़ी तुम्हें नजर नहीं आ रही है क्या? देखिए सिस्टर, आपको एक बात पता नहीं है, मेरी बैकबोन की फिजियोथेरेपी चल रही है और मेरे थेरेपिस्ट ने मना किया है कि आपकी बैकबोन में जो पेन है उसकी वजह से इस टाइप के स्टूल पे चढ़ना नहीं है, और आप मुझे यही कह रही है कि मैं स्टूल पे चढ़ के फैन साफ कर दूं? तो कौन करेगा ये? कौन करेगा क्या मतलब है, मैंने आपको बता दिया मेरे साथ इशू है, आप कर दें। मैं चढ़ के सफाई करूं? जी जल्दी से करें, सही से साफ कीजिएगा, चढ़ें जल्दी से, सही से साफ कीजिएगा, एक रत्ती बराबर भी मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए इस पे। इस टाइम कौन आ गया? साथ कोई दरवाजे पे आया है। शकीला क्या हुआ आज तुम खामोश खामोश क्यों हो? बाजी मेरे वालिद साहब का गांव में इंतकाल हो गया, बस में जाने का किराया तक नहीं है। अगर 10,000 रुपए मिल जाते ना तो मैं अपने अब्बा का आखिरी दीदार कर लेती। बाजी 10,000 रुपए की बात है, दे देना बाजी। हसीना 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 आठ बज गए, हसीना के आने का टाइम हो गया, इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है मेरा तूफान नहीं आया। मासी ने मालिक को अपनी झांसे में फंसा लिया। बेगम और सारा ये 8:30 होने वाले हैं, हसीना आई क्यों नहीं अभी तक? हसीना की शादी हो गई है और वो काम छोड़कर चली गई। देखो मासी, मेट जी, तो मासी मेट मासी मेट मासी मेट, देखो मेट मेरी बात सुनो, तुम्हें ये तो पता ही होगा ये क्या है। क्या है? क्या है तुम्हें नहीं पता क्या है? बताइए ना क्या है। ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम? आपने ये वॉशरूम में खड़ा कर दिया लाके, क्या करूंगी मैं इधर? देखो तुम्हें ना इस वॉशरूम की सही से सफाई करनी है, फ्लश की भी करनी है, बेसन की भी करनी है, टाइलों की भी करनी है, सबकी सफाई करनी है, सही है? देखिए सिस्टर मेरी बात सुनिए, आपको क्या लगता है अपने बाल डाई करा के, अपना फेशियल करा के, अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करा के मैं आपका गंदा वॉशरूम साफ करूंगी? मैं आपके बच्चों की पॉटी साफ करूंगी इधर से? हरगिज़ नहीं। बाथरूम की सफाई ना मासियां ही करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सिस्टर, आई एम नॉट मासी, आई एम मेड। तो बाथरूम की सफाई कौन करेगा? आप बताइए कौन करेगा? मैं करूं? इससे अच्छी तो कोई बात भी नहीं हो सकती, करिए। ठीक है बाथरूम की सफाई मैं खुद ही कर लेती हूँ, सही है? जी जी ठीक है। अबे तो तेरा क्या काम है यहाँ पर, तेरा क्या काम है? तमीज से बात कीजिए, बिल्कुल तमीज से बात कीजिए, समझिए आप? अबे चुप, अबे चुप, अबे तू चुप, कब से तमीज से बात कर रही हूँ मैं, काम छोड़ के जा रही हूँ यहाँ से। बेटा मासी चली गई क्या? जी अम्मी चली गई मासी। चलो बेटा घर की लाइटें बंद कर दो।
भाभी, आपको पता है जब मैं साइमा भाभी के घर काम करने गई थी तो उन्होंने आपको क्या बोला था? साइमा ने? जी, क्या बोला था? आपको उन्होंने बहुत गंदी गाली दी थी। साइमा ने मुझे गाली दी है? जी हाँ। क्या गाली दी है? अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं मुंह से अदा भी नहीं कर सकती, इतनी गंदी गाली दी उन्होंने। रेशमा, मुझे बताओ क्या गाली दी थी? उन्होंने बोला था कि आप उसकी बच्ची हैं। किसकी बच्ची? उसकी बच्ची। उसकी बच्ची बोला उसने? जी। साइमा के लिए मैंने कितना कुछ किया, जब भी अच्छा खाना बनता था मैं इसके घर पे जरूर भिजवाती थी। परसों मैंने इसके घर बिरयानी भिजवाई है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। साइमा की तो ऐसी की तैसी। साइमा की तो ऐसी की तैसी, ये बोला था शमीम भाभी ने। ये क्या बोल रही हो तुम? भाभी, मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अच्छा, पीठ पीछे बुराइयां करती है और सामने बिरयानी भेजती है। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फसादन, मीसनी, मुनाफिक, दायर है ये दायर, कदी कदी बगैरत औरत, मोटी हरासा, देश की बच्ची। बाजी, ये कौन सी गाली है? तुम चुप करो। टूट टूट। भाभी, ये कौन सी गाली? चुप करो। देखा कैसा लड़वाया मैंने इन दोनों को। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, वरना आपके घर में भी ऐसा फसाद कराऊंगी कि सुलह भी नहीं हो पाएगी और घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दें।